हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी ऑन द बेसिस ऑफ मिरर फार्मूला, तो जो अब हमारी टॉपिक है वो है मैग्नीफिकेशन। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए 2 मार्क्स में आ जाता है, जान जो मिरर फार्मूले उसके साथ ही छोटा सा पार्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, हर बार एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस किस की रेशियो? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है मैग्निफिकेशन का? मतलब क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का था। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो 5 सेंटीमीटर थी, जब वो मिरर से पास किया आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी हाइट में जो चेंज आया वो छोटी हो सकती है, सेम साइज की हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, जो चेंज आएगा दोनों की रेशियो निकालोगे दैट इज अ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब उसमें कितना वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाइड हुआ अपने साइज से। मान लो पहले 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, बाद में वो 6 होगी, 7 होगी, 4 होगी या 5 ही रही, दैट इज अ मैग्निफिकेशन। जो इसका फार्मूला है एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर आपने रखना है हाइट ऑफ इमेज, नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की रेशियो निकालोगे दैट इज अ मैग्निफिकेशन। इसका एक फार्मूला है एम इक्वल टू एच आई, एच आई इज द हाइट ऑफ इमेज ओवर एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ इमेज है ये, मान लो आपके ये आपका मिरर है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पर और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है यू। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर का, इसने कहीं ना कहीं जाकर इमेज फॉर्म कर देनी है। मान लो मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर इसने इमेज फॉर्म की और जो इसका डिस्टेंस आया वो आया वी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि हाइट ऑफ इमेज का जो डिस्टेंस है वो वी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस यू है। तो इसका फार्मूला बना माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी, माइनस जो इंडिकेट कर रहा है वो डायरेक्शन को कर रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी मैग्निफिकेशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इसमें आपको 3 चीज़ें गिवन दे सकते हैं और आपको पूछते हैं हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, मैग्निफिकेशन बताओ, हाइट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, इमेज का डिस्टेंस बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने इसको ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर आप बुक से करोगे ना बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, याद ही नहीं होगा, बट मैं आपको जहाँ पर एक ट्रिक से बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आप इसको कैसे लर्न करोगे। बेस्ट ट्रिक है, आज सुन लो, इसके बाद लाइफ में हमेशा याद रहेगा, हमेशा आपके काम आएगी। देखो आपके पास एम की वैल्यू 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब नेगेटिव होगी, जब 1 होगी, जब पॉजिटिव होगी। नेगेटिव, 1 और पॉजिटिव, इतना याद कर लो बस। नेगेटिव हो सकती है, कम हो सकती है, 1 ही हो सकती है, 1 से पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में मान लो मेरे वैल्यू है कि -1.5 है या -0.6 है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, इस केस में नेगेटिव वैल्यू है, जब नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगी तो इमेज बनेगी रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज कौन बनाता है? हमेशा कॉनकेव मिरर बनाता है, ये आप याद रखोगे। नेगेटिव रियल इमेज बनाएगा और कॉनकेव मिरर बनाएगा, सीरीज में याद रखोगे तो लर्न होगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। एम इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या है? जहां पर अगर मैं एच आई को भी 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, जहाँ सेम रखूँ इन दोनों को, तो कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, मान लो जहाँ पर एच आई की वैल्यू 5 है और जो ऑब्जेक्ट बना है वो भी 5 का बना, दोनों को कैंसिल किया 1। मैग्निफिकेशन 1 का भाई जब उनका साइज सेम है, साइज सेम है। ठीक है, साइज सेम कौन बनाता है? प्लेन मिरर बनाता है। प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है? इरेक्ट एंड वर्चुअल बनाता है, तो इसका नेचर हो जाएगा इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्लियर है? एम इक्वल टू 1 किसके लिए है? प्लेन मिरर के लिए है। एम नेगेटिव किसके लिए है? कनकेव मिरर के लिए है। और ये इसका जो साइज है वो सेम साइज होगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में ना मैंने 2 केस बनाए हैं। क्यों 2 केस बनाए हैं? क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, दो तरह की इमेज बना सकता है। ठीक है,
एक तो स्मॉल साइज हो सकता है, एक लार्ज साइज हो जाता है बॉस टीम में भी। मान लो मेरे पास 1 एम की वैल्यू है 0.5 और एक वैल्यू है एम इक्वल टू 1.6, दोनों में क्या है, जे वैल्यू 1 से लेस है और जे वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अगर वैल्यू 1 से लेस है तो आप कहोगे कि वो स्मॉल साइज है, लेस मतलब स्मॉल, 1 से लेस मतलब स्मॉल साइज बनाना है। स्मॉल साइज बनाएगा कौन, स्मॉल बनाता है कन्वेक्स, छोटा बच्चा है ठीक है, छोटा बच्चा तो वर्ड भी कम ही लेकर आएगा, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है तो इसने बात कौन सी करनी, सीधी बात ही करनी है तो इरेक्ट इमेज बनाएगा। इरेक्ट का फ्रेंड हमेशा कौन रहेगा, वर्चुअल रहेगा, याद हो जाएगा। अगर वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, छोटी इमेज बनेगी, लेस होगी, और लेस कौन बनाता है, कन्वेक्स बनाता है, और कन्वेक्स इरेक्ट इमेज बनाता है और इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल रहता है। दूसरी साइड अगर एम बड़ा हो जाए, एम ग्रेटर देन 1, मान लो 1.6, 1.7, 2.1 जितना भी हो जाए, 1 से बड़ा है, लार्ज है तो लार्ज साइज बनाएगा, लार्ज साइज कौन बनाता है, बड़ा बच्चा बनाएगा, कनकेव मिरर बनाएगा, कनकेव मिरर बनाएगा। बट एक कंडीशन है कि जब भी वैल्यू पॉजिटिव होगी इमेज कौन सी बननी है, वर्चुअल बननी है। तो कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल बनती है, वो केस कौन सा है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ बड़ा होता है, एफ एंड पी के बिटवीन जब ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो ये इमेज बनती है। याद हो गया, सिंपल, एक ही लाइन में अगर आप याद करना चाहते हो तो मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको समझ लगेगा। मैग्निफिकेशन इज 2/3, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, 2/3 है तो पहले आप गिवन लिख लो, एम इक्वल 2/3 है तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा आएगा 0.6। तो मैं अब लेकर चलता हूँ, मैं कि 0.6 है, पहले मैं साइन नहीं देखूंगा, पहले मैं वैल्यू देखूंगा, 1 से छोटी है या 1 से बड़ी, 1 से क्या है, छोटी है, 1 से छोटी है तो क्या होगा, 1 से छोटी है तो आपकी इमेज भी स्मॉल साइज की बनेगी, 1 से वैल्यू छोटी है इमेज स्मॉल साइज की बनेगी। अगर इमेज स्मॉल साइज की बनेगी, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि इसका जो साइज है वो क्या होगा, स्मॉल। आगे नेचर की बात, अगर एम पॉजिटिव है तो हमेशा बनेगी वर्चुअल इमेज, अगर एम पॉजिटिव है वर्चुअल इमेज, अगर एम नेगेटिव है रियल इमेज, एम पॉजिटिव है तो वर्चुअल, वर्चुअल के साथ कौन रहता है, इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल इसका नेचर रहेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। टाइप ऑफ मिरर, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, भाई जल्दी बता दो मुझे, इरेक्ट एंड वर्चुअल कौन इमेज बनाता है, टाइप ऑफ मिरर बनाना है, दैट इज अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सी बनाता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, दिस इज अ टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एम इक्वल टू मैंने कहा है कि आपकी है -1.5, पहले क्या चेक करोगे, माइनस को छोड़ो, पहले वैल्यू चेक करो 1.5, 1.5 क्या है, इमेज बड़ी बन रही है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी तो कौन बनाएगा, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बनाएगा। अब नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, रियल इमेज, रियल, रियल का फ्रेंड इन्वर्टेड, तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लार्ज बनेगी एंड कनकेव मिरर इसमें यूज होगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, अब देखो 5 सेंटीमीटर लेंथ का मतलब क्या है, हाइट ऑफ आपको ऑब्जेक्ट एच ओ दी है, इन लेंथ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मतलब यू है वो आपको 20 दी है, ऑफ फोकल लेंथ एफ दिया है आपको 15 दिया है, ठीक है। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज वी निकालनी है, साइज ऑफ इमेज एच आई, एच आई कैसे निकालोगे, एच ओ आपको बताओ, एच आई पता है, आप पहले वी निकाल लोगे, ठीक है, ये आप फार्मूला यूज़ करोगे, एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू -v/u, ये फार्मूला यूज़ कर लेना, वैल्यू फिल करके पहले वी की वैल्यू निकाल लेना, फिर तीनों की वैल्यू आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेना, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, उसके बाद आपने मैग्निफिकेशन के थ्रू इसका साइज भी पता चल जाएगा, नीचे भी पता चल जाएगा, ठीक है जी। इसका आंसर आप निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर टू अदर, सब्सक्राइब माई चैनल, हैव अ नाइस डे।